नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय चैनल माय नॉलेज में। और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा आप होम ग्रिड से 10,000 तक का लोन कैसे ले पाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि होम ग्रिड की जो EMI जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे पे करें, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि होम ग्रिड की जो EMI इंस्टॉलमेंट है आप अपने मोबाइल से ईजिली कैसे पे कर सकते हैं। तो नीचे कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि सर मैं 10,000 तक का लोन होम ग्रिड से कैसे ले सकता हूँ, 10,000 तक का लोन मैं होम ग्रिड से कैसे ले सकता हूँ। उन्होंने ये कमेंट इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मैंने एक साइट ऑन की हुई है homecredit.co.in, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आप इजीली आप 10,000 तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है और यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है आप 10 मिनट में ले सकते हैं, 7 स्टेप करके और कोई फॉर्म फिल नहीं करना, ये भी लिखा हुआ है। और डायरेक्ट जो लोन होगा आपके बैंक खाते में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जानते हैं कि कैसे आप ले पाएंगे। सपोज करिए कि आपने 10,000 तक का लोन लेना है होम ग्रिड से और आप एक न्यू कस्टमर है, ठीक है। आप 10,000 का लोन है वो न्यू कस्टमर तो ले ही सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है वो बहुत ही ईजिली ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर का मतलब ये है कि होम ग्रिड से जिस कस्टमर ने पहले लोन करवाया हुआ है किसी भी तरह का, चाहे फ़ोन लिया है, लैपटॉप लिया है, टू व्हीलर लिया है, किसी भी तरह का लोन करवाया है, वो एग्जिस्टिंग में आएंगे और उनको ईजिली लोन मिल जाता है, ठीक है, होम ग्रिड से। अगर कंडीशन ये है कि आपने जो पहले लोन करवाया था वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी आप ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले की है आपने, मतलब ड्यू डेट से लेट नहीं किया, मतलब एक भी इंस्टॉलमेंट आपने ना ही ड्रॉप की है ना ही लेट की है, तो ठीक है। आप सपोज करिए आप एक न्यू कस्टमर है, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहला कि आपको इंडियन होना ज़रूरी है, इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, और आपकी जो एज है 19 साल से ऊपर होना भी ज़रूरी है, जो डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ये वैलिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वर्किंग में होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए, कॉल और मैसेज आ रहे होने चाहिए, एक्टिवेट रहना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपका जो लोन एप्लीकेशन की जो वन टाइम पासवर्ड होगा वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, ठीक है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी मेल पे आएगी आपको, ठीक है, इसीलिए ये वैलिड होना ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका इंटरनेट काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब वो एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे लोन एप्लीकेशन तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे वेबकैम से भी कैप्चर करके कर सकते हैं, ठीक है, आपकी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, तो इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 4G होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करने चाहिए, ठीक है, रेडी करके रखिए, स्कैन करके रखिए अपने एड्रेस प्रूफ को, ठीक है, और अपने आईडी प्रूफ को। एक बात ध्यान रखिए, आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है, आधार कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। जो लास्ट चीज़ है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, मतलब आपको सैलरी मिल रही है कहीं पर, एम्प्लॉय है आप, ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है तो आपको अकाउंट के स्टेटमेंट होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, आपको जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी होना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आपका जो ये लोन है वो अप्रूव होने के बाद आएगा, तो ये सारी चीज़ होनी ज़रूरी है। तो अब जानते हैं कि उसको हम ले कैसे। सपोज करिए आप एक न्यू कस्टमर है, जो एग्जिस्टिंग है वो भी, कैसे करना है ये देखिए, ऊपर पे होम, अबाउट अस, FAQ, कॉन्टैक्ट अस, इस पे भी कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधा अपने कॉन्टैक्ट अस पे कर देना, तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इस पे आते हैं कॉन्टैक्ट अस में, देखते हैं यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, इधर है कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1800121660, ठीक है। यहाँ पे कॉरपोरेट मतलब आपका ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, अभी लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट अस, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लोन अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप देखिए इस नंबर पर कॉल करनी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, और नीचे लिखा हुआ है कि आपने 10 डिजिट का ना जो कॉन्टैक्ट आईडी है वो आपने रेडी रखना है। ध्यान रखिए ये सिर्फ उन्हीं को कहा जा रहा है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ठीक है, न्यू कस्टमर के लिए ये नहीं है, 10 डिजिट का कॉन्टैक्ट आईडी उनके पास नहीं होगा, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए ही है, ठीक है। तो आप रेडी रखेंगे, उस नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग है तो, जो न्यू है वो भी इसी नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है, अपना जो
लोन है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं कॉल करके। और सेकंड थिंग्स, यहाँ पे क्वेरी कंप्लेंट, कोई क्वेरी आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए क्वेरी और कंप्लेंट आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सपोज करिए आप एक न्यू कस्टमर है, यहाँ लिखा हुआ है कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपने पहले, इसका मतलब है कि क्या आपने कभी लोन लिया है, नहीं लिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लोन कॉन्टैक्ट नंबर है ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि आप न्यू कस्टमर है तो आपके पास लोन कॉन्टैक्ट आईडी तो होगा ही नहीं। तो अपना नाम, लास्ट नेम, सिटी आप सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कोई भी न्यू कस्टमर तो कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। कमेंट में आप कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ टिक करेंगे, आपको जो होम पेज का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको कॉल करेगा या ईमेल या एसएमएस के द्वारा आपको जो भी क्वेरी है उसका सॉल्व करके आपको मेल या कॉल करेगा, ठीक है, सबमिट कर देंगे आप। मान लीजिए आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यस, तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही फिल करना है। यहाँ पे आपने वही नंबर देना है जो आपने लास्ट टाइम दिया था और यहाँ पे वही कॉन्टैक्ट आईडी देना है जो आपने लास्ट टाइम आपको मिला था। अब आप सोच रहे होंगे ये लोन कॉन्टैक्ट आईडी, कुछ कस्टमर ये सोच रहे होंगे ये तो मेरे पास है नहीं, तो मैं वो बता देता हूँ, ये है, ऐसा एक कागज मिला होगा, ठीक है आपको। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर पे जाते हैं, यहाँ राइट हैंड साइड में अभी सबसे टॉप पे जाते हैं तो ये है कॉन्टैक्ट आईडी, ये है 10 डिजिट कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है, ये होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस पेज पे आते हैं, वो आपने यहाँ डालना, जो भी क्वेरी है लोन लेना चाहते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आपको आप बता दीजिए कोई भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज़, एक बात आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 10,000 तक का लोन कैसे, एग्जिस्टिंग कस्टमर सिर्फ 10,000 का लोन नहीं ले सकते हैं, वो ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं। वो कैसे, सपोज करिए आपने पहले कोई फाइनेंस करवाया है होम क्रेडिट, जैसे आपने कोई फाइनेंस करवाया है और आपने सारी किस्तें टाइम टू टाइम पे करी है, कोई भी किस्त बाउंस नहीं हुई है, कोई किस्त हमें रोके नहीं है, तो कंपनी आपको प्री अप्रूव लोन देती है जो कि आपका 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, ठीक है, 2, 2.5 जितना भी हो सकता है, 2.5 लाख तक भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज करिए कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो एग्जिस्टिंग होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे क्योंकि उनको प्री अप्रूव लोन का मैसेज कॉल नहीं आ रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, ठीक है, उसका रीज़न ये होगा कि अगर आपने होम क्रेडिट से लोन करवाया है और उस टाइम आपने जो नंबर दिया था, अपना जो मोबाइल नंबर दिया था, वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, यही एक रीज़न है कि आपसे वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। अगर आपके नंबर पे प्री अप्रूव लोन पड़ा भी हुआ है आपके नाम पे तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जो नंबर था वो बंद है, ठीक है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अभी जो नंबर यूज़ कर रहे हैं उसी नंबर से आपने ये नंबर डायल करना है और अपना कॉन्टैक्ट आईडी बनाना बताना है 10 डिजिट का। वो आपको बता देंगे कि आपके नंबर पे, आपके नाम पे कितना प्री अप्रूव लोन है, ठीक है। जैसे ही वो आपको बताते हैं और आप चाहते हैं, सपोज करिए वो आपको बताते हैं कि 1 लाख आप ले सकते हैं प्री अप्रूव में पड़ा हुआ, तो जरूरी नहीं कि आपने 1 लाख ही लेना, 50,000 भी ले सकते हैं, नीचे का जो भी अमाउंट है सारे ले सकते हैं, ऊपर का नहीं ले सकते, ठीक है, अप टू 1 लाख ले सकते हैं आप, ठीक है, और बहुत ही ईजिली ले सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग बहुत ही ईजिली ले सकते हैं, और जो न्यू कस्टमर 10,000 तक तो ले ही सकते हैं, वो भी बहुत ईजिली ले सकते हैं, 10,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत ईजिली ले सकते हैं। एक मैं आपको पर्सनली जो एग्जिस्टिंग है और जो न्यू है दोनों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये प्री अप्रूव में लोन मिल रहा है, ठीक है, और ईजिली अप्रूव हो रहा है, तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको उस लोन की उस टाइम सच में ज़रूरत है, सच में मतलब कोई रास्ता है ही नहीं, आपको लोन लेना ही पड़ेगा, तो ही लीजिए, क्योंकि लोन तभी लेना चाहिए जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आपको आप लोन ले रहे हैं, जब भी आप इस नंबर कॉल करेंगे, अगर आपका प्री अप्रूव लोन पड़ा है तो आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि कितने महीने में आपने कितनी पेमेंट करनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट बनी है, ठीक है, तो आपको सबको कैलकुलेट करके आप देख लीजिए आपको कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ आप चेक करके, अगर आपको लगता है कि मेरे को हाँ मैं ये अच्छा है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे ज़रूरत है पैसों की, ठीक है, तो ही आप लीजिए, ठीक है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, लोन लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है। एग्जिस्टिंग कस्टमर को मिलेगा ही मिलेगा लोन, प्री अप्रूव लोन पड़ा होता है उनका, ऑलमोस्ट होता ही है प्री अप्रूव, ठीक है, मिल ही जाएगा एग्जिस्टिंग कस्टमर, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपने पिछले लोन की जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम की है तो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, ठीक है,
सेकंड थिंग, लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी जरूरतमंद भी इस वीडियो को देख सके और वो इसका फायदा उठा सके, ठीक है? तो थैंक यू, बाय।